खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दयाशंकर मिश्र दयालु बलिया जिले के बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों में हुए कटान रोधी कार्यों एवं कटान से प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने इन कार्यों के बाबत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि सरयू नदी खतरा निशान से ऊपर बह रही है, वहीं गंगा नदी अभी खतरा निशान से नीचे है। मंत्री ने गोपाल नगर ताली गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कटान से प्रभावित लोगों के लिए जमीन के पट्टे व बाढ़ राहत सामग्री प्रदान किया। कटान से प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री प्रदान की एवं 188 लोगों को मकान बनाने के लिए पट्टे प्रदान किए। दो तरफ नदियों से घिरा एक ऐसा क्षेत्र है, अभी माँ गंगा खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, लेकिन घाघरा का जल हमारे खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। हम लोगों ने शासन प्रशासन ने इस बार जिला प्रशासन ने भी बड़ी अच्छी तैयारियां करके रखा है। मैं पिछले 1.5 महीने से मुझको याद है कि मैं 2 बार 3 बार सिर्फ बाढ़ की नीयत से, माननीय मुख्यमंत्री जी परसों बनारस थे, उन्होंने कहा कि आप बाढ़ का है और आपको बलिया जाना है। मैं जब यहाँ आया तो मैंने आज तैयारियाँ देखा, आपके जिन गांव में डूबे छपरा में गया, वहाँ जो कटान हो रही थी माँ गंगा की तरफ से, उसके लिए और पूरे बड़े बड़े बैग में भर के जो हमने बोल्डर लगाए थे, जो बंदी बनाए थे, उनके अलावा भी हम लोगों ने कटाव रोकने का काम किया। आज जिन गांव में कटान, चूँकि घाघरा का पानी आप बड़ी वेगवान है, उनके चलते जिन गाँव में कटान हुआ था, जिनके घर वहाँ नदी में विलीन हो चुके थे, उनके अब चूँकि बाढ़ जब अपने एक्सट्रीम पर होता है तो कटाव रोकने का हमारे पास कोई साधन नहीं। अब जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए 186 परिवार के लोगों को आज हम लोगों ने ज़मीन के पट्टे दिए हैं और उसके अलावा उनको खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। जो लोग विस्थापित होकर रह रहे हैं उनके लिए पानी बिजली और सारी सुविधाओं के लिए हम सदैव तत्पर हैं। जिला प्रशासन, माननीय सांसद जी, हमारे आपके जिले के सांसद जी भी साथ थे, तो सब लोग इस बात को लेके मिनट टू मिनट उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि बाढ़ में अगर किसी भी तरह का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। और जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी तैयारी, सबसे बड़ी सर समस्या गोपाल नगर ताड़ी का है, जहाँ मैं कई घर गोपाल नगर से ही आ रहा हूँ और वहाँ हमने उस गांव में सबको, जितने भी लोग विस्थापित हुए थे अभी तक, उनको जमीन का पट्टा कर दिया, उनके आवास का निर्माण होना है और जितनी भी उनकी तकलीफें हैं, मैंने आपसे कहा ना कि हर बात के लिए शासन प्रशासन तत्पर है और मॉनिटरिंग की जा रही है लखनऊ के लेवल से लेके शासन के स्तर से लेके, उसी की कड़ी में मैं प्रभारी हूँ तो हमेशा आपके बीच में हूँ। जिलाधिकारी महोदय, उनकी पूरी टीम उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, तो जहाँ से भी कुछ भी ऐसी घटना होगी तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।